तो दोस्तों रात के बज रहे हैं 8:30 और कल सुबह हमको जल्दी निकलना है, तो हमने सामान अभी से पैक कर लिया है और एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि सामान को हमने क्या क्या रखा हुआ है। तो फटाफट एक बार नज़र डाल लेते हैं क्योंकि एक ही दिन की स्मॉल ट्रिप है, हालांकि 40 किलोमीटर्स की है लेकिन साइकिल से ट्रिप है, इसलिए हमने अपना सामान काफ़ी लिमिटेड रखा है। जैसे कि इसमें एक मैं रखी हुई है बेल्ट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जैसे हम बढ़ते हैं दूसरी चेन की ओर को, तो दूसरी चेन में भी थोड़ा बहुत अपर ओवर क्योंकि रास्ते में काफ़ी नैनीताल काफ़ी ठंडी जगह है, और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि फर्स्ट एड किट। रास्ते में कोई भी अगर छोटी मोटी इंजरी हो जाती है तो उसके लिए अपने साथ फर्स्ट एड किट रखना बहुत ज़रूरी होता है। और ये लास्ट में है, रखा है ऋषभ ने अपने लिए एक्स्ट्रा मास्क और सैनिटाइजर, काफ़ी ज़रूरी है आजकल के कोविड के टाइम पर। ये था मेरे दोस्त ऋषभ का बैग। अब मैं देखता हूँ अपने बैग की ओर को, मेरे बैग में तो खैर ज़्यादा कोई सामान होगा नहीं, एक अपर ताकि ठंडे से बचा जा सके, और थोड़ा बहुत मफलर और थोड़े से फर्स्ट एड किट इसमें भी, बाकी क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है और हमें एनर्जी की बहुत ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा पानी, और स्पेशली ये ठंडियों का मौसम है लेकिन इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी फिर भी। और ये थोड़े से हमने बनानास रखे हुए हैं क्योंकि रास्ता काफ़ी लंबा है, क्योंकि दुकान सुबह के टाइम पर कोई खुली हुई ना हो, और इनको तो इग्नोर करना, ये तो अभी बस यूं ही रखे हुए हैं। दोस्तों घड़ी में बजने वाला है 7 और आप भी हमारे साथ, तो चलिए मौसम काफ़ी सुहाना है। 3 किलोमीटर ऋषभ के घर से आ चुके हैं, 34 किलोमीटर अभी और जाना है। रास्ते में कोहरा काफ़ी है लेकिन इसने मौसम को काफ़ी सुहाना बनाया हुआ है, काफ़ी मज़े आने वाले हैं साइकिलिंग में, तो चलिए साथ में शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा आप देख सकते हैं हम लोग डोलमार से थोड़ा आगे आ गए हैं और अभी भी नैनीताल 28 किलोमीटर के आसपास है। सामने यहाँ पे तो एक कैंपिंग साइट है, तो अगर किसी को कैंपिंग वैम्पिंग करनी होती है तो ये काफ़ी प्यारी लोकेशन पर बना हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ। काफ़ी अच्छी है लोकेशन है। अब हल्की सी धूप आ चुकी है तो थोड़ी सी राहत आ गई है, और ये ऋषभ पीछे से आते हुए। दोस्तों पहुंच चुके हैं हम लोग अब जंगल फिएस्टा में, जो कि 2 गांव से थोड़ा सा पहले है। एकदम बेहतरीन लोकेशन और खूबसूरत डिज़ाइनिंग का एक एग्जाम्पल है। इसकी मेन ब्रांच आपको हल्द्वानी में मिलेगी, लेकिन अपनी ट्रिप में कुछ यादगार लम्हे जोड़ने के लिए आप यहां पर बेशक रुक सकते हैं। तो हल्द्वानी से सुबह 6:30 बजे निकल के आराम आराम से चलते हुए हम अभी 9:30 बजे के आसपास जोलीकोट पहुंचने वाले हैं, और हम यहाँ पे रुके हुए हैं, काफ़ी थक गए हैं, तो थोड़ा चाय हो जाए, और थोड़ा जैसे कि ऋषभ का भी सैनिटाइजेशन प्रोसेस चल रहा है।
दोस्तों कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं नैनीताल, मगर उससे पहले हमें दिखी है एक फूड वैन और पेट में चूहे तो कूद ही रहे हैं। तो जैसा कि एक महान इंसान ने कहा है कि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, तो वैसे ही हम भी पहले पेट पूजन करते हैं और उसके बाद अपने नैनीताल का सफर आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए पेट पूजन करते हैं। दोस्तों साइकिल चलाते चलाते हमारे चेहरे हो चुके हैं एकदम लाल, लेकिन आखिरकार हम पहुंच चुके हैं नैनीताल। मंजिल एकदम सामने है जिसका कब से हम इंतजार कर रहे थे, और थकावट तो काफ़ी लग ही चुकी है, लेकिन मंजिल में पहुंचने की खुशी उससे कई ज़्यादा है। तो जल्द से जल्द अपने साइकिल के लिए एक स्टैंड ढूंढते हैं और खो जाते हैं इस खूबसूरत नज़ारे में। दोस्तों लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया कहा जाने वाला नैनीताल नॉर्थ इंडिया के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन में एक है, और ये सी लेवल से 1900 मीटर्स की हाइट पर सिचुएटेड है। अभी हम आ चुके हैं नैनीताल की फेमस भोटिया मार्केट में, जहाँ पर आप गिफ्ट खरीद सकते हैं, अपने पेट पूजन भी कर सकते हैं। अगर आपको गुरुद्वारा या नैना देवी मंदिर में दर्शन करने हैं तो वो भी यहीं पर है, आप वहाँ पर से जब भी जा सकते हैं। दोस्तों हम आए हुए हैं अभी सोनम फास्ट फूड में, जो कि अपने मोमोज के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। बहुत सारे बड़े सेलिब्रिटीज़ जैसे कि जैकलिन फर्नांडिस भी यहाँ पर आ चुके हैं। जग की कोई रीत न जाने, मैं तो बस तेरी हुई दीवानी। मिला जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा, हवा में होके मलंग। मैं छुड़ाई घर बार मेरा ओ मखना वे मखना, अब तू ही है संसार मेरा ओ मखना वे मखना। ये पागल सा है प्यार मेरा ओ मखना वे मखना। मैं छुड़ाई घर बार मेरा मखना, छोड़ाई घर बार मेरा हो मखना वे मखना। अब तू ही है संसार मेरा हो मखना वे मखना। ये पागल सा है प्यार मेरा हो मखना वे मखना। मैं छोड़ाई घर बार मेरा दोस्तों शाम के बजने वाले हैं 5 और हम निकल चुके हैं हल्द्वानी की ओर को। काफ़ी प्यारा सनसेट यहाँ पर से दिख रहा है, तो चलिए रुकते हैं कहीं पर और देखते हैं सनसेट। दोस्तों आपके साथ इस सफ़र को पूरा करने से पहले हम एक छोटा सा मैसेज देना चाहेंगे। तो ज़िंदगी एक ही बार मिलती है और इसमें हमें पूरी मस्ती करनी चाहिए, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी एक गलती कहीं बेजुबा जानवरों की ज़िंदगी को ख़तरे में ना डाल दे। धन्यवाद। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और हाँ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें।